सो चलिए गाइस आगे के टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं, और उसमें जो हमारा आज का टाइटल टॉपिक है वो क्या रहेगा, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी तो मैंने बात की थी कि मैं ऑर्डर पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं ऑर्डर ही पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है, एक्चुअल में वो सब टॉपिक है इसी टॉपिक का। तो यहां से हम लोग जर्नी को शुरू करेंगे, और यहां से आपका 80% जो चैप्टर है वो इसी टॉपिक में ही खत्म होगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको सभी फैक्टर नहीं पढ़ने हैं। आपको टोटल 4 ही फैक्टर पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है फैक्टर नंबर 1, ठीक है। और उसमें आपका 70-80% चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले उनके नाम लिखिए, 4 फैक्टर कौन से हैं। नंबर 1 लिखिए, फैक्टर नंबर 1 दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। लिखिए ध्यान से मेरे साथ, नोट्स बनाते जाइए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपका 70-80% अब जितना चैप्टर बचा है उसमें से 70-80% चैप्टर इसी टॉपिक में फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर ही क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा गाइज, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग कौन सा है, दैट इज नेचर ऑफ, लिखिए ध्यान से, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। थर्ड फैक्टर कौन सा है, दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर टी। एंड फोर्थ टॉपिक कौन सा है, फोर्थ फैक्टर कौन सा है, दैट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ठीक है। सो यहां पर ये टोटल 4 फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। वैसे फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 हैं, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये खासा इंपॉर्टेंट है, और हमें अभी यहीं से ही शुरू करना है, ठीक है। सो आप लिखिए सबसे पहले, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको टॉपिक को लगाइए, फटाफट से इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लिख लीजिए फटाफट से। सो चलिए गाइस पहले फैक्टर को पढ़ते हैं। नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टॉपिक का नाम लिखिए, हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, यही हमारा टॉपिक है। सो देखिए, सबसे पहले आप खुद का लॉजिकल माइंड अप्लाई कीजिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ही ज्यादा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगी प्रोडक्ट बनाने में। ये बड़ी कॉमन सी चीज है। अब आप सोचिए कि कोलिजन कब ज्यादा होगा, जब हमारे पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब हम लोग अगर थ्योरिटिकली सोचें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थ्योरिटिकली। तो मैं इसको जरा लिखूं शब्दों में, तो क्या लिखूंगा जरा देखिए, दैट इज रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से समझेगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी तक तो थ्योरिटिकली इतना ही सोच पाए, ठीक है, सबको समझ में आया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो इन्होंने इस रेट के इक्वेशन में, जो आपने अभी प्रोपोर्शनैलिटी में लिखा है, उसमें थोड़े चेंजेस किए। एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोगों ने यह जाना कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, बल्कि यहां पर एक फैक्टर और है जिसको उन्होंने काउंट किया, टू द पावर एन। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। मतलब उन्होंने इस चीज को बदल दिया, कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन पे डिपेंड करती है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब यहां पर दो चीजें हो गई, एक तो पावर, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन खुद। अब यहां पर ये क्या है, एक्चुअली बस इसी को हम लोगों को स्टडी करना है, और सारा चैप्टर एक्चुअली इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब इसी के बारे में बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इस चीज को समझिएगा कि यहां पर एन क्यों लगाया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद, हर एक केमिकल रिएक्शन को समझने के बाद, उन्होंने यहां पर डिसाइड किया कि यहां पर पावर भी होनी चाहिए।
मैं इसको और इलेबोरेट करके समझाऊंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा तब मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर एन क्या है, सबसे पहले हम लोग एन को डिफाइन करते हैं। वेयर एन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे थे एक्चुअल में वो ये है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली बात इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, एन मे बी, एन क्या है जरा सोचें इसको, एन मे बी एन इंटीजर, ठीक है, एन क्या हो सकता है, एन मे बी एन इंटीजर एंड इट मे बी एंड इट मे बी अ फ्रैक्शन। ये एक इंटीजर हो सकता है, एक फ्रैक्शन हो सकता है। मतलब जरा समझें, एन की वैल्यू जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल में कुछ भी हो सकती है। सबको समझ में आ गया, ये सबसे खास बात है इसकी कि एन का वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि यहां पर जो एन है उसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो आप लिख लो, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा सोचिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो आपको थ्योरेटिकली भी मिल जाएंगे। जरा सोचिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू अमोनिया। आपने सिर्फ अगर इस रिएक्शन को बैलेंस किया अपने तरीके से, तो बहुत सारे तरीके होते हैं पहली बात तो बैलेंस करने के, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपको थ्योरेटिकली ही मिल जाता है। तो आप जरा सोचिए कि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हर बार बदल दिए जाएंगे जब बैलेंसिंग रिएक्शन में बैलेंसिंग कोफिशिएंट बदल दिए तो। आप जरा सोचें कि क्या नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू अमोनिया, इस रिएक्शन को आप 100 तरह से बैलेंस कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहां पर जो ऑर्डर है वो कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के ऊपर रिलाई नहीं करती है। आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां से निकालते हो, थ्योरेटिकली आप खुद से बैलेंस कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाले जाते हैं। तो मैं यहां नीचे लिख भी देता हूं, नोट लगा लीजिए, नोट नंबर 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कैन ओनली बी फाइंड आउट बाय एक्सपेरिमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ऑर्डर तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में या तो वो ऑर्डर देगा या फिर ऑर्डर के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा, जिससे आपको ऑर्डर खुद को सोचना होगा। कभी भी आपको ऑर्डर निकालना नहीं है, क्योंकि ऑर्डर थ्योरेटिकली नहीं निकलता है। सबको समझ में आ गया, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। और हम लोग किस तरह से ऑर्डर को पहचानते हैं, किस तरह से रिकग्नाइज करते हैं, उसके मैं तरीके आप लोगों को बताऊंगा। मतलब यहां पर आपको पूरे क्वेश्चन में रिकग्नाइज करना होगा, हिंट दिया होगा ऑर्डर के बारे में, आपको खुद को सोचना होगा कि ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही बताया जा सकता है। सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। ये तो था एन के बारे में कि एन ऑर्डर होता है, इसकी वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, और फाइनली ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाला जा सकता है। अभी भी ये जो आपने इक्वेशन लिखा है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं यहां कोई केमिकल रिएक्शन लिखता हूं और आपको मैं समझाता हूं कि यहां पर ऑर्डर का सेंस क्या है। जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट एक बार उसके अंदर वापस से आ जाएंगे। जरा इसको ध्यान से समझें, इसका मतलब क्या है। देखिए, सपोज कि मेरे पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से इसको समझिएगा, दैट इज स्टोइकियोमेट्री ले लेते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट की स्मॉल ए और वहां पर वो रिएक्टेंट है खुद ए। ये आपको क्या किससे रिएक्ट कर रहा है, मान लेते हैं कि ये बी से रिएक्ट कर रहा है जिसकी स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितनी है, स्मॉल बी, और ये दोनों रिएक्ट करके आपको स्मॉल सी ऑफ कैपिटल सी दे रहे हैं। मतलब स्मॉल सी उसकी स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट और कैपिटल सी खुद प्रोडक्ट है, मतलब ए और बी आपस में रिएक्ट करके आपको सी दे रहा है। सबको समझ में आ गया। अब इसको हमने बैलेंस किया तो बैलेंस तो हम थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। वहां पर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है, ए बी और सी, सब स्मॉल, वो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। रिएक्टेंट कौन है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। प्रोडक्ट कौन है, दैट इज कैपिटल सी।
सबको समझ में आ गया। अब किसी साइंटिस्ट को बोला कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए, आप इनफैक्ट इसको उससे भी रिलेट कर सकते हो, मान लो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपको क्या दे रहे हैं, अमोनिया। अब इसको आप सो तरीके से बैलेंस कर सकते हो, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट जो इसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन किसी साइंटिस्ट को बोला कि जाके इसका रेट लो, लिख के लाइए, इसका रेट कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है उसको लिख के लाइए, तो वो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेगा। और मान लीजिए कि उसने एक्सपेरिमेंट करके जो जाना उसका रिजल्ट वो यहां लिख रहा है, तो जरा ध्यान से उसको देखिए, रेट जो लिखा जाएगा यहां पे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिखा जाएगा। और वो कैसे लिख रहा है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट उसने लिखा ये, That is rate of this chemical reaction is directly proportional to, आप देखिए वो किस किस पे डिपेंड करेगा, reactant की concentration to the power n, दिखाई दे रहा है आप, reactant तो यहां दो हैं, कौन कौन से, एक a और दूसरा b, तो उसने यही लिखा a to the power small p and b to the power small q। उसने पूरे एक्सपेरिमेंट करके जाना कि जो यहां पर इस केमिकल रिएक्शन का रेट है वो a टू द पावर स्मॉल p एंड b टू द पावर स्मॉल q पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट करके जाना। और स्मॉल p और स्मॉल q क्या होंगे, इट मे बी इंटीजर, इट मे बी फ्रैक्शन, लेकिन मैं स्मॉल p और स्मॉल q के बारे में डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले व्हाट इज स्मॉल p, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान से समझेगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। ए के रिस्पेक्ट में अगर कोई आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो वो उसकी पावर है, दैट्स इट। नाउ व्हाट इज क्यू, स्मॉल क्यू क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। सबको समझ में आ गया। और अगर आपको पूरी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर चाहिए, तो ओवरऑल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सबको समझ में आ गया। अगर पूरी रिएक्शन का ऑर्डर पूछा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको रेट लो लिखने पर ही मालूम पड़ेगा, ये याद रखिए। और ये रेट लो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट से लिख सकते हैं, और वो किसके इक्वल होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू के एडिशन को हम लोग इस पूरी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर बोलेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब जब आपको किसी का ऑर्डर पहचानना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये चाहिए। अगर आपके पास रेट लो, इसको हम लोग रेट लो बोलते हैं बाय द वे, अगर आपके पास रेट लो है तो उसमें रिएक्टेंट पे जितनी पावर लगी है उनको जोड़ दीजिए, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। सबको समझ में आ गया। अब ये निकलता है इसका मतलब, क्लियर हो गया। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जो मैंने 5 से 10 मिनट में जो भी बोला उसको एक बार नहीं, उसको 2 बार सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आ सकती है, आप ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ला सकते हो, और कोई चारा नहीं है। थ्योरेटिकली पता नहीं लगाया जा सकता इस चीज का, सबको समझ में आ गया। और एक्सपेरिमेंटली पता करने के बाद ही आप ऑर्डर निकालते हो, सबको क्लियर है। तो यहां तक आप लोग लिखो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इस इक्वेशन को और इस रिएक्शन को पूरा करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए गाइज, अब उस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने अभी अभी देखी। अब उसके अकॉर्डिंग क्या था, दैट द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या बनेगा, जरा देखिए। देखिए हमारा रेट लो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट टू द पावर एन। सबको समझ में आ गया, यहां पर एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या कीजिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइए, इवन इनफैक्ट आप उस पर भी अप्लाई कर सकते थे, डोंट वरी अबाउट इट। आप जो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था ए और बी वाला, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं दोनों पर अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। रेट को हम लोग लिखते हैं आर से, विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल पर आ गए तो हमको एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा के, और यहां पर क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर आर रेट है, के को हम क्या बोलते हैं अभी बताता हूं, बाकी ये चीज मैंने एज इट इज रखी है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट इज के, अब ये इंटरेस्टिंग है, के को हम लोग बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट, इसके बहुत सारे नाम है, दिस इज कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट,
ठीक है, सबको मालूम पड़ा। इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं या फिर इसको हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट, ध्यान से समझिएगा। या फिर इसको हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इसी के नाम हैं, तो पहले तो नाम पता होने चाहिए। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। सबको क्लियर हो गया? अब यही चीज आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, कहां पे? अभी आपने थोड़ी देर पहले स्मॉल ए टू द पावर, यहां पर क्या लिखा था? कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। ये आपको क्या दे रहा है? बेसिकली स्मॉल सी से कैपिटल सी। इसके लिए अभी आपने एक्सपेरिमेंटली रेट लिखी थी, ठीक है, वो क्या थी? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर स्मॉल पी एंड बी टू द पावर स्मॉल क्यू। और मैंने आपसे कहा था कि ये स्मॉल पी और स्मॉल क्यू कहां से आए हैं? एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़े उस केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, सो यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? के ए टू द पावर पी एंड बी टू द पावर क्यू। ठीक है, ये स्मॉल पी है, उसको एज इट इज लिखिएगा। तो यहां पर k का मतलब क्या निकलता है? दैट इज रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्लियर होता है? अब सबसे पहले तो हम लोग k जो यहां पर है उसकी यूनिट हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? तो आप लिखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ k। देखिए, आप वहां से निकाल लीजिए चाहे यहां से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिट ऑफ k, ठीक है, चलिए यूनिट ऑफ के, अगर आपको के का यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? और ये बता देता हूं, यहां स्टार लगा देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन इनफैक्ट। तो यूनिट ऑफ के को डराइव करते हैं। तो के अगर निकालना है आपको तो यहां से जरा देखिए के किसके बराबर है। यहां से ले लीजिए के इज इक्वल्स टू आपको आर, और नीचे क्या लिखा है? ए टू द पावर पी, ठीक है, एंड बी टू द पावर क्यू। ठीक है, अगर आपको K का यूनिट चाहिए तो आपको रेट का यूनिट, नीचे तो कॉन्सेंट्रेशन है, उस पर पावर P और Q लगी हुई है। यहां से करोगे तब भी वही बात है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि रेट का यूनिट क्या होता है। हालांकि रेट का यूनिट आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत बार इस पर तो क्वेश्चन कर चुके हैं, दैट इज मोलर पर टाइम। याद है, मोलर पर सेकेंड, मोलर पर मिनट, इसको तो इस्तेमाल भी किया है। रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, और नीचे क्या आता है? टाइम। तो रेट का यूनिट क्या बना, जरा चेक करो, रेट का यूनिट बन गया दैट इज मोल पर लीटर, समझ में आ गया, और साथ में टाइम। ये लीजिए, मैंने नीचे लिख दिया, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, यानी कि मोलर पर टाइम, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, पर चेंज इन टाइम। तो यहां पर मोल पर लीटर, और साथ में क्या आएगा? टाइम। अब आप नीचे आइए, यहां पर ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टू द पावर पी एंड मोल पर लीटर टू द पावर क्यू। तो मैं यहां नीचे नहीं लिख सकता हूं, जरा ध्यान से इसको देखिए, यहां पर मैं लिख दूं दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर पी प्लस क्यू। यस और नो? सबको समझ में आ गया? अब मैं के की यूनिट को कैसे लिखूंगा? सो के इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान से इसको देखिए, यहां पर है आपके पास मोल पर लीटर, ये रहा, इसको मैंने अलग से लिख लिया, और साथ में है आपके पास टाइम इनवर्स, ये नीचे उसको ऊपर ले गया, माइनस वन लिख दिया। उस तरफ चलिए, वहां पर क्या है? यहां पर है मोल पर लीटर, वन अपॉन, यहां पर लिखा है मोल पर लीटर टू द पावर पी प्लस क्यू। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये लीजिए स्मॉल एन। सबको समझ में आ गया? तब ये देखिए, मोल पर लीटर यहां पर है, इसकी पावर कितनी है? वन। नीचे भी मोल पर लीटर है, उसकी पावर कितनी है? एन। अब ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? माइनस एन। तो यहां पर मोल पर लीटर की पावर वन है और मोल पर लीटर की पावर माइनस एन है, तो इसको कंबाइन वे से क्या लिख सकते हो? दैट के इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखोगे? मोल पर लीटर टू द पावर वन माइनस एन। यस और नो? यस ऑफकोर्स, ये ऊपर जाएगा, माइनस एन हो जाएगा। तो यहां पर दोनों को जोड़ सकते हो आप, समझ में आ गया, दोनों सेम ही चीज है। और साथ में क्या लिखोगे? टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। तो ये के का यूनिट है और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन इनफैक्ट इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप चाहे यहां से ड्राइव कर लो, चाहे यहां से ड्राइव कर लो, एक ही बात है, ठीक है। यहां से आसान था, मैंने थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लिया कि हमने दो रिएक्टेंट लिए, यहां पर तो सीधे कॉन्सेंट्रेशन लिखी है, तो बात एक ही है, फाइनली आना तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर ही है। सो फाइनली ये सबका जोड़, सबको आप ऐड कर दोगे तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब हम यहां से क्या करेंगे? अब आपको ये याद रखना है, देखिए
किसी भी रेट कांस्टेंट का यूनिट आप यहां से ड्राइव कर सकते हो। और एक्चुअल में रेट कांस्टेंट का यूनिट सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। सबको क्लियर हो गया? अब हम अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकालेंगे। सबको समझ में आ गया? टिल देन आप ये पूरी की पूरी चीजें एक बार लिख लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और उसको ध्यान से लिख लो। चलिए, सो फाइनली गाइज हमने के लिए यूनिट को यहां पर डिफाइन किया, तो उसको फिर से देखते हैं और उसको ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में के की यूनिट को यहां पर लिखते हैं। तो ध्यान से उसको देखिए, के का यूनिट क्या निकाला, दैट इज यूनिट ऑफ के आपने किस तरह से लिखा, जरा ध्यान से उसको देखो, दैट इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, ठीक है, टू दी पावर हाउ मच, 1 - n, और साथ में क्या लिखा आपने, टाइम इनवर्स। अब ये टाइम कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम मे बी इन सेकंड, मे बी इन मिनट, मे बी इन आवर, मे बी इन डे, व्हाटएवर, लेकिन यहां पर टाइम का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि यहां पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। हम लोग अलग अलग ऑर्डर के लिए के का यूनिट निकालना सीखते हैं। सपोज सबसे पहले अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ 0, यानी कि एन का वैल्यू अपने को कितना रखना है, 0। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो के का यूनिट कितना बनेगा, तो यूनिट ऑफ के वो कितना बनेगा, जरा चेक करो, दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर 1 - 0, सही है, दिख रहा है, और साथ में यहां क्या होगा, टाइम इनवर्स, सही है। सो फाइनली के का यूनिट क्या बनेगा, दैट इज मोल पर लीटर और साथ में टाइम इनवर्स। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इवन इनफैक्ट के की यूनिट देख के आपको ऑर्डर पहचानना भी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए आपको के की वैल्यू दे देगा, उसके साथ उसकी यूनिट लिखेगा, आप यूनिट से ऑर्डर पहचान सकते हो। ये ऑर्डर स्पेशली स्पेसिफिकली जीरो ऑर्डर के लिए होता है। सबको समझ में आ गया? यहां से यूनिट को देख के मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स लिखा हो, यानी कि मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ऐसा जब भी आ जाए तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 0। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको वो हिंट देगा और आपको पहचानना होगा। इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, यानी कि के की यूनिट देख के आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर को पहचान सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट ऑर्डर, समझ में आ गया, टू रिकॉग्नाइज ऑर्डर। तो यहां पर जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स। क्लियर हो गया? सो यहां पर ये बना जीरो ऑर्डर के लिए, क्लियर है। इसी तरह से आप क्या करो, देखो हमारे लिए जीरो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, उसको तो हमें डिटेल में पढ़ना है, तो उन्हीं के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। उसके अलावा आप आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला तो आपके सामने है ही, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए। मान लो इसी तरह से आपसे पूछता कि भैया फर्स्ट ऑर्डर, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी होती, 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं इसको, शॉर्ट में क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको के का यूनिट पूछता, तो फिर यूनिट ऑफ के क्या लिखते हैं, तो जरा ध्यान से उसको देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रख दीजिए। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एन का वैल्यू 1 है, तो के का यूनिट क्या आएगा, जरा सोचिए, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - 1, और साथ में क्या आ रहा है, टाइम इनवर्स। 1 - 1 कितना होता है, 0, किसी की भी पावर 0 वो कितनी होती है, 1, तो इसका मतलब के का यूनिट कितना निकल रहा है, के का यूनिट जब भी आपको दे रखा हो ना, टाइम इनवर्स, मतलब समझे, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, यहां पर के का यूनिट आएगा टाइम इनवर्स, क्योंकि ये तो हो गया 1, क्लियर होता है। तो तब जब भी आपके पास टाइम इनवर्स टाइप का कोई यूनिट बने के का, तो आप समझ जाइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। एग्जांपल देता हूं, मान लो आपका के का दिया हुआ है वैल्यू 3 सेकेंड इनवर्स, तो तुरंत समझ जाओ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। के का वैल्यू व्हाटएवर बी दैट, जैसे कि मान लें 4 मिनट इनवर्स, तो तुरंत बोलोगे आप कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। यहां पर ऐसे लिखा हो 5 आर इनवर्स, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। क्लियर हो गया? इस तरह से चलिए, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एन का वैल्यू कितना होगा, 2। मतलब आप यूनिट देख के पहचानो कि ऑर्डर क्या है। के की वैल्यू 3 सेकेंड इनवर्स दे रखी है, इसका मतलब तुरंत समझ जाओ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 1। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में इनका वैल्यू कितना होगा, 2। तो इसको अगर रखें तो क्या बनेगा, के का यूनिट, यूनिट ऑफ के, दैट इज मोल पर लीटर, यहां पर क्या आएगा, 1 - 2, और यहां पर क्या लिखा होगा, टाइम इनवर्स। इनफैक्ट इन पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट ध्यान से इसको देखिए। सो फाइनली के का यूनिट बनेगा यहां पर, दिस इज यूनिट ऑफ के। सो फाइनली यूनिट ऑफ के क्या बनेगा,
देखिए मोल पर लीटर 1-2 दैट इज -1, क्लियर होता है। सो फाइनली यहां पर क्या बना, मोल पर लीटर टू द पावर -1, और टाइम भी क्या है, टाइम भी -1 ही है, क्लियर हो गया। सो इस तरह से आपको यूनिट निकालनी होती है, और इस पे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन इस पे आते हैं, सबको क्लियर हो गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि के का यूनिट इस तरह से निकाला जाता है। अब इस पे आप क्वेश्चन करिए, सबसे पहले एनसीईआरटी के अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इनके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात का जवाब देता हूं। सवाल ये है कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड क्यों नहीं करता, यानी थ्योरेटिकली क्यों नहीं निकाला जा सकता, शायद कहीं ना कहीं ये पिंच हो रहा है। मैं इसका जवाब देता हूं, देखो बड़ा बेसिक सा जवाब है जो आपको शायद किताब में ना मिले, तो मैं इसका जवाब देता हूं। मान लीजिए कि ये सड़क है जिससे आपको क्या जाना है, घर से स्कूल, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन पे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जैसे कि हम लोग करते आए हैं, और न्यूमेरिकल आपको जरूर करने हैं। तो मैं आपको जवाब देता हूं, देखिए मान लो कि ये रोड है और यहां पर आपका घर है, नाउ दिस इज योर होम, ठीक है, और यहां पर आपका स्कूल है, नाउ दिस इज योर स्कूल, और व्हाटएवर जो भी डेस्टिनेशन आप जाना चाहते हो। अब क्या है, जरा ध्यान से देखो, अभी तक तो नया नया रोड था, बिल्कुल सपाट, तो आपको जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था, ठीक है। अभी अचानक से क्या हो गया, बरसात की वजह से यहां पर खड्डा हो गया है इस तरह से, ये देखिए। तो अपन मान लेते कि भैया ये तो एक खड्डा हो गया है रोड पर। अभी अचानक से एक दिन यहां पर आप स्कूल पहुंचे नहीं, और स्कूल से आपको कॉल आती है टीचर की कि भाई तुम कितनी देर में आ रहे हो, समझ में आ गया। अब तब तुम क्या जवाब दोगे, जरा सोचो कि सर वो डिपेंड करता है कि उस खड्डे के आसपास ट्रैफिक कितना है, क्योंकि यहां से अगर ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो निकलने में वक्त यहीं पे ही जाया होगा। ये खड्डा नहीं था तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सीधी रोड थी, तुरंत पहुंच जाते थे, लेकिन आपकी सारा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या आपके पेट्रोल की कितनी कंजप्शन होगी, या आपकी जाने की रेट कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कि यहां पर खड्डे के आसपास कितना ट्रैफिक जैम है। आप खुद से सोचो ना, प्रैक्टिकली क्या सोचोगे, सर वैसे तो मैं आपको बता देता लेकिन यहां पर जो खड्डा है उसके आसपास ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि मैं कब तक पहुंचूंगा। कई बार होता है कि यहां ट्रैफिक ना हो तब तुरंत पहुंच जाओ, क्योंकि यहां ट्रैफिक जैम यहीं पर ही होगा। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है, बहुत लोग प्रैक्टिकली देखते भी होंगे। इसका मतलब जरा समझिए कि इस पूरी रोड में आपकी रेट, पहुंचने की रेट डिपेंड करेगी इसके ऊपर, क्योंकि ये आपकी वेलोसिटी या रेट को स्लो भी कर सकता है। इसका मतलब ये यहां पर जो इतना सा खड्डा है वो आपकी वेलोसिटी को डिटरमाइन कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग, ठीक है, स्टेप। और ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर ऑर्गेनिक पढ़ा दो, ऑर्गेनिक पढ़ा दो। मैं आपको गारंटी देता हूं जहां पर ऑर्गेनिक चल रहा है ना, बिना इसके, जब आपको बताया नहीं कि आरडीएस क्या होता है, आरडीएस, उसके बिना जो भी ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ आपको जीओसी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे के सारे चैप्टर आरडीएस पे बेस्ड हैं। ये एक बेस की जरूरत आपको पड़ती है जो कि आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो, इस चीज को समझें। और आपको कैसे पता लगेगा कि यहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, थ्योरेटिकली पता नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो उसकी पावर में जाता है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही मालूम पड़ता है, डायरेक्टली मालूम नहीं पड़ता है, समझ में आ गया। थ्योरेटिकली तो आपके पास डेटा था ना कि इस रोड की लेंथ कितनी है, तो कितना वक्त लगना चाहिए, लमसम तो आप निकाल लेते थ्योरेटिकली, तो टीचर क्यों नहीं निकाल रहा है, टीचर क्यों फोन कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज कि वो यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगा वो डिपेंड करेगा कि यहां पर ट्रैफिक कितना है। और वो कैसे पता लगेगा, एक्सपेरिमेंटली, वो जब यहां से बाइक लेके निकलेगा, सीधी सी बात है, हो सकता है कि यहां पर कुछ ट्रैफिक मिले ही नहीं, वो कैसे डिपेंड करेगा, जब एक्सपेरिमेंट करके खुद निकलेगा, हो सकता है यहां भयंकर यहां पर ट्रैफिक हो जिससे वहां पहुंच ही नहीं पाए, खुद से अकल लगा के सोचो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्लो स्टेप है जो कि आपकी रेट को स्लो बनाती है। बस एक्चुअल में वही एक्सपेरिमेंट की चीज है जिसको आप ऑर्डर से क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो। मजे की बात, स्लोवेस्ट स्टेप आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा आपको कि पूरी रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है, क्योंकि जो आपकी स्पीड को स्लो बना रही है, ये देखिए यही वाली, वही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करती। और उस टाइम पे रिएक्टेंट की जो भी पावर होती है, कहां गया वो जो हम पिछली बार लिखा था, रिएक्टेंट की जो भी पावर होती है, ए टू द पावर पी लगाया था ना, वही उसकी ऑर्डर होती है। अब समझ लीजिए, आपको सीधे सीधे शब्दों में समझ में आ जाएगा, मतलब स्लोएस्ट स्टेप पे हमने एक्सपेरिमेंट किए, करने के बाद हमें पता लगा कि ये उसकी ऑर्डर है,
ठीक है, ये उसकी पावर जा रही है, ठीक है, और उसी को हमने ऑर्डर माना। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कैसे डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंट के बिना नहीं हो सकता है। सबको क्लियर हो गया? और ये सीधा सा फंडा है, जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक सड़क इमेजिन करो, बीच में खड्डा इमेजिन करो, ठीक है, और आपके स्कूल टीचर या फिर आपके फादर, आप उस तरफ हो तो फादर आपसे पूछे कि भैया कब घर आएगा, तो आप बोलोगे ना कि ये खड्डे के पास ट्रैफिक अगर कम हुआ तो जल्दी आ जाऊंगा, नहीं तो मुझे वक्त लगेगा। और ये चीज आप कैसे उसको क्लियर करोगे, जब आप खुद यहां से निकलोगे फिर फोन करोगे ट्रैफिक ज्यादा है पापा, क्योंकि हमने खुद ने निकल के देखा कि ट्रैफिक ज्यादा है। तो ये चीज सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता की जा सकती है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारा खेल एक्सपेरिमेंट का क्यों है। तो तब तक, अगले लेक्चर तक जब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखें, रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप ध्यान रखिएगा, आज का होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जो ईमानदारी से अपना होमवर्क कर रहा है, वीडियोस को ध्यान से देख रहा है और जिस दिन अपलोड होती है उसी दिन देख रहा है, उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिलीव इन योर सेल्फ। सबको समझ में आ गया? आप इसकी प्रैक्टिस करो, होमवर्क टाइम से करो, और इन वीडियोस को देखो, नॉलेज बांटने से बढ़ती है बच्चों, इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सोच बदलेंगे तब दुनिया बदलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।